तो आज हम बात करेंगे वीवीएम माइक्रो प्रोग्रामिंग में एक्सेल से डेटा को एमएस एक्सेस पे कैसे भेजें या एमएस एक्सेस से डेटा को वापस एक्सेल पे कैसे लाएं। राइट सर, जैसे कि हमने कल एसक्यूएल सर्वर के बारे में बात की थी, सेम चीज यहाँ कर रहे हैं कि मेरे पास नेम है, मेरे पास सिटी है और मेरे पास यहाँ पे अमाउंट है और मुझे इसको सेव करवाना है किसके अंदर, एक्सेस के अंदर, यही से एक्सेल से। राइट, तो इसके लिए हम डेवलपर में जाते हैं, विजुअल बेसिक पे क्लिक करते हैं, इंसर्ट मॉड्यूल करते हैं। इंसर्ट मॉड्यूल में हम सबसे पहले जैसे हमने यहाँ पे सब्जेक्ट बनाते हैं और जैसे हमने सीक्वल में किया था ना, सेम ऐसे यहाँ करना है कि सब्जेक्ट यहाँ पे हम किया और यहाँ पे करते हैं डिम कनेक्शन एज ए ऑब्जेक्ट। एक कनेक्शन ले लिया, उसमें ऑब्जेक्ट कर दिया। अब कनेक्शन जो है क्रिएट करेंगे, हम लिखते हैं सेट CON कनेक्शन इक्वल टू क्रिएट ऑब्जेक्ट और इसके अंदर वही हम डालेंगे जो कल हमने डाला था ADODV डॉट कनेक्शन। ठीक है, यहां पे हमने ADODV यहां पे कनेक्शन कर दिया। अब यहां पे हम कनेक्शन को ओपन करेंगे तो कनेक्शन डॉट ओपन। अब ओपन के लिए मुझे क्या ओपन करना है, उसका पूरा ड्राइवर ड्राइवर सब कुछ चाहिए यहां पे लिखना होगा स्पेस देके। तो यहां पे सबसे पहले लिखेंगे प्रोवाइडर, क्या लिखेंगे कि मेरा प्रोवाइडर क्या है। जैसे लास्ट कल तो प्रोवाइडर क्या था, एसक्यूएल का था ना, एसक्यूएल विल बी, लेकिन यहां पे अलग होगा। प्रोवाइडर में हम क्या लिखेंगे, प्रोवाइडर इक्वल टू माइक्रोसॉफ्ट। स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो बताइएगा। माइक्रोसॉफ्ट डॉट डॉट ACE डॉट ODV डॉट 12 डॉट 0, ये हो गया आपका प्रोवाइड। अब इसमें आपको देना है डेटा सोर्स, सेमी कॉलन देना होगा यहाँ पे, कॉलन इसी के अंदर डेटा कनेक्शन स्ट्रिंग उसको बोलते हैं, डेटा सोर्स SORCA सोर्स इक्वल। अब आपका जो डेटाबेस का नाम है वो नाम दीजिए जो हमने अभी भी यहां पे किया है। तो यहां पे ये नहीं होगा, इसको ये नहीं होगा डेटा सोर्स नहीं। ठीक है, अब यहां पे एक और चीज करना है ऊपर कि यहां पे डिम RS पर रिकॉर्ड सेट एज ए ऑब्जेक्ट। तो हम कनेक्शन क्रिएट कर लिए। अब यहां पे हम करते हैं सेट आर, ऊपर ही कर देते हैं ना, कभी कर देते ऊपर कि सेट RS इक्वल टू क्रिएट ऑब्जेक्ट इक्वल टू, नहीं ऑब्जेक्ट इक्वल टू यहां पे ADODV डॉट रिकॉर्ड सेट। ठीक है, लास्ट टाइम भी की रिकॉर्ड सेट किया था ना मैंने, यहां पे रिकॉर्ड सेट यहां भी होगा सेट और फिर यहां पे होगा
यहाँ पे करते आर एस डॉट ओपन, स्पेस दीजिए, ब्लैंक दीजिए और यहाँ पे कनेक्शन दीजिए, और फिर यहाँ पे लिखेंगे आर एस डॉट एड न्यू। अब यहाँ पे आर एस और इसके अंदर आपके फील्ड के नेम जो आपके एक्सेस में है, जैसे कि है सी नेम डॉट वैल्यू इक्वल टू, यहां जो हमारा बी रेंज बी वन है, यहां लिखेंगे रेंज बी वन डॉट वैल्यू, फिर आर एस यहां पे सिटी डॉट वैल्यू इक्वल टू क्या है हमारा बी फोर, यहां हो जाता है रेंज बी फोर डॉट वैल्यू, फिर आर एस यहां पे हो जाता है अमाउंट डॉट वैल्यू इक्वल टू हो जाता है रेंज बी एट डॉट वैल्यू। और इसके अंदर ये हो गई, लास्ट में एक लाइन जरूर लिखिएगा, बहुत सारे बंदे छोड़ देते हैं इसके अंदर, यहाँ पे आर एस डॉट अपडेट ये जरूर लिखना है, आर एस डॉट अपडेट। उसके बाद मैं यहाँ पे आर एस डॉट क्लोज कर देता हूं और सेट CON कनेक्शन इक्वल टू नथिंग। क्या होगा कीबोर्ड में, नथिंग। चलिए इसको रन करके देखते हैं, भगवान की दया से कोई आना नहीं चाहिए एरर। अच्छा, एक में ऑलरेडी इन यूज एंड कर दें और इसको यहां से करते हैं क्लोज। कमांड टेक्स इज नॉट सेट, हो तो यहां पे मुझे एसक्यूएल देना पड़ेगा, एसक्यूएल इक्वल टू इनवर्टेड कॉमा में सेलेक्ट, यहां भी एसक्यूएल क्वेरी आप लगा सकते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, क्योंकि यहाँ पे आपको, हाँ इसमें डेटाबेस तो दिया ही नहीं ना मैंने, डीटी टेबल नेम तो दिया ही नहीं मैंने, हाँ यहाँ पे एसक्यूएल, करेंट रिकॉर्ड सेट इज नॉट सपोर्टिंग दिस में इंटरेस्ट कि यहाँ हमें कनेक्शन में लॉक टाइप जो है देखने होंगे कि कनेक्शन का जो लॉक टाइप है वो क्या है, यहाँ हमने जो आर एस किया है तो यहाँ पे आर एस डॉट हम लिखते हैं सी यू आर कर्सर टाइप, कर्सर होते हैं ना सी यू आर एस ओ आर कर्सर टाइप, टाइप इक्वल टू वन होगा और आर एस लॉक टाइप जो होगा तो तीन होगा, क्योंकि हमें डेटा लेना भी है और देना भी है, मतलब कि इसलिए लॉक टाइप को थ्री करना पड़ेगा, लॉक टाइप इक्वल टू थ्री। इसको रन करते हैं, अब हो गया, अब एक्सेस खोलते हैं और एक्सेस में डेटा देखते हैं, सॉरी यहाँ एक्सेल।
देखिए सर नेट आ गया। अब बाकी जो चीजें कल आपने किया तो ऐसा कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि ये तो डेटा गया, वापस आएगा कैसे? तो वापस आने के लिए सब कुछ रहेगा, ये जो आपको दिख रहा है ना, बस इसको यहां से हटा दीजिए, ठीक है? और इसके जगह पे आप लिखिए रेंज A1 डॉट कॉपी फ्रॉम रिकॉर्ड सेट, और रिकॉर्ड सेट का नाम डाल दीजिए RS, चला दिए RS, ठीक है? और यहां पे इसको कीजिए रन। तो एक नाम के दो मैक्रो नहीं होगा, यहां पे गलती आ गई, यहां पे रन कीजिए। तो ये देखिए डेटा आ गया डेटा सर, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हेडिंग नहीं है। तो हेडिंग कैसे आएगा? हेडिंग नहीं आएगा, यहां पे क्या कहते हैं, हम लिखते हैं कि रेंज A1 डॉट वैल्यू इक्वल टू RS, यहां पे फिल नेम क्या है हमारा, वन करते हैं, जीरो करते हैं, जीरो, यहां पे जीरो डॉट FILD, फिल्ड नेम, और ये हो जाता है B1, ये हो जाता है C1, ये 0 1 2, और यहां पे A2 से कीजिए यहां पे काम। अच्छा इसमें एक मिनट, इसको करते हैं, ये चलेगा। RS.fillName, आना चाहिए था फिल नेम। रेंज फर्स्ट लाइन रेंज A1 वैल्यू डॉट RS 0। नहीं, वो नहीं है, वो ये दिक्कत अलग है। इसमें दिक्कत ये है कि यहाँ जो हमने यहाँ पे जो हमने दिया ना ये फिल, इसी को रिकॉग्नाइज, फिल नेम को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा, बड़ा नहीं माना, नहीं देख रहे। लेकिन होता है, कुछ गलत कर रहा हूँ मैं, वैसे ऐसे बहुत कम पढ़ाता हूँ ना। मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं थोड़ा सा ध्यान लगा रहा हूँ, हो जाएगा हो जाएगा।
यहां पे आएगा रिकॉर्ड, यहां पे एक मिनट, RS.FIL फील्ड, फील्ड में 0.name, ये वर्क करना चाहिए। ऐसा नेम छोटा दिया अपना, बड़ा हुआ है, बड़ा दिया, हाँ ये रिकॉग्नाइज कर रहा है सर, ये आई थिंक होना चाहिए। रन करके देखते हैं, डिबग नहीं, एक मिनट, फील्ड डॉट 1 9 फील्ड्स, नहीं दे रहा है। D1 फाइल नेम हुआ है ना, FIFILD फाइल नेम हुआ है ना, यहाँ पे FIL, फील्ड का स्पेलिंग मिस्टेक है, हाँ वही, FIFEI होगा ना यहाँ पे, फील्ड्स, हाँ अब बड़ा हो गया ना, हाँ ये चल गया। और यहाँ पे देखिए क्या आया डेटा में, सी नेम आया, तो ये 0 से नहीं 1 2 से चलता है, ठीक है सर। तो यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिए RS डॉट, और यहाँ पे 1 2 या 3, हाँ अब चलिए। अब देखिए कि यहाँ पे आ गया, बट यहाँ पे सर आईडी नहीं, यहाँ पे 0 नहीं आया ना, 0 आईडी होता है यहाँ पे सर, मतलब 3 ही लिया ना, तो मुझे एक और यहाँ लेना है और यहाँ पे लिखना है 0, ठीक है सर। अब देखिए तो पूरा डेटा आपका यहाँ पे आ जाएगा, आ गया सर, A1 B1 C1 एंड D1। तो जैसे हमने ये किया था कल स्कूल में, नहीं आ रहा था ना फील्ड नेम, तो ऐसे ही वहां भी करना होगा सर, ठीक है सर। तो आपने सीखा कि एक्सेस में डेटा हम कैसे भेजेंगे और एक्सेस डेटा कैसे लाएंगे। और ध्यान रखिएगा सिक्वल की क्यूरी आप दोनों में रन कर सकते हैं, जो मर्जी यहां पे कर सकते हैं सिक्वल क्यूरी, बस सिक्वल क्यूरी आपको आना चाहिए, अगर सिक्वल क्वेरी नहीं आ रहा तो प्रॉब्लम होगा, समझे। तो एक्सेस के साथ डेटा कनेक्टिविटी आ गया, वो छूट गया थी हमारा, हमने नहीं कराया था इसलिए हम आज बता दिए। अब बात करते हैं, हाँ बोले क्या बोले, बोले कि एसक्यूएल का सारा क्वेरी क्या बीबीए में काम करता है? हाँ एसक्यूएल क्वेरी का सारा मोस्टली क्वेरी काम करता है बेसिकली। जो वीवीए है वो अपने आप थोड़ी करवाता है, वो यहाँ नहीं दिख रहा है, इस फाइल को खोलता है और इस फाइल के अंदर करवाता है वो बैकएंड में, समझे। हाँ सर, तो वो फाइल के अंदर करवाता है, यहां नहीं करवाता है, समझे कि नहीं सर। हाँ सर, समझ गया। अब चलिए हम क्लास मॉड्यूल के बारे में समझते हैं, क्लास मॉड्यूल क्या होता है। आपने याद होगा हमने वेरिएबल्स पढ़ा था, ठीक है सर, वेरिएबल्स याद है ना सर। हाँ सर, बिल्कुल याद है। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं कि हम वेरिएबल्स का एक के बना रहे हैं, वेरिएबल्स का ही एक बनता है, जैसे एक पर्सनल बनाना है तो यहाँ पे हम यहाँ पे कर देते हैं, जैसे हमने एक इंसर्ट किया क्लास मॉड्यूल, इस क्लास मॉड्यूल का नाम रिनेम करके हम कर देते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन के लिए, यहाँ रिनेम होगा ना, यहाँ पे PL कर देते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है।
और यहां मैं यहां पे डाल देता हूं कि पब्लिक या प्राइवेट या कुछ भी डालें, हाँ पब्लिक करते हैं, पब्लिक 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 मैंने यहां पे दे दिया कि नेम एज ए स्ट्रिंग, और इसी तरह से मैंने यहां पे दो तीन अप्लाई कर दिए, सॉरी बहुत ज्यादा हो गया। तो यहां पे हमने दे दिया नेम, इसके बाद दे देते हैं यहां पे फादर नेम, यहां पे दे देते हैं हम सिटी, यहां पे दे देते हैं हम मान लीजिए पिन, ठीक है। अब यहां हम आते हैं, इंसर्ट करते हैं मॉड्यूल, अब यहां पे सब्जेक्ट देते हैं आरआर, जो भी देना देते हैं, यहां पे लिखते हैं डिम के एज न्यू पीयर, ठीक है। और यहां पे के डॉट, यहां दिख रहा है सर, नेम इक्वल टू पूजा, के डॉट इक्वल टू एफ नेम इक्वल टू अमर, दिखा सर, सर के डॉट क्या बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं सर, टू नेम के डॉट पिन इक्वल टू 11006 2। अब इसको जरूरी नहीं है कि हम इसके जगह हम कहीं भी यूज कर सकते, मान लीजिए कि आप जो प्रोग्रामिंग करते हैं तो कुछ पर्टिकुलर वेरिएबल्स जो है आपको बार बार डिक्लेयर करने पड़ते हैं, तो ऐसे वेरिएबल्स को एक डेटा टाइप में, जैसे पर्सनल इंफॉर्मेशन के लिए पीएल बना दिया आपने, कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन के लिए कुछ और बना दिया, इस तरह के आप अपने क्लास नोड बना दीजिएगा, तो यहाँ इजीली कॉल करेंगे तो आपको डिफाइन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे आपका डिफाइन है, बात समझे। अगर मुझे कल के डेट में एमएसजी बॉक्स के अंदर मुझे नेम एफ नेम चाहिए, सॉरी नेम चाहिए, मान लीजिए नेम चाहिए, तो मैं यहां पे सीधे लिखूंगा के डॉट नेम, रन कीजिए, यहां देखिए पूजा आ गया, क्योंकि हमने नेम पे पूजा सेव किया था ना, समय माया क्लास में रोल आपको विभन क्या बोलते, विभन जी पूछिए। हाँ सर। अच्छा सर, एक छोटा सा क्वेश्चन था। अच्छा, मैं एक वीबीए प्रोग्राम किया था छोटा सा। अच्छा, उसमें ऐसा कि एरर आया, मान लीजिए मेल मार्क करके एक्सेल से कुछ डेटा वर्ड में लिया, ठीक है, तो वहां पे जो इनपुट डेटा था वहां पे कुछ वो फ्रंट स्लैश था, ठीक है, तो जब जो जो जिस जिस सेल में वो फ्रंट स्लैश था उस सेल में जब वीबीए से वो कर रहा था तो एरर आ रहा था, लेकिन वो कौन फ्रंट सा, स्लैश वर्ड अगर में वीबीए चला रहे थे कि एक्सेल में चला रहे थे? विभन मैं वर्ड में चला रहा था जब वो मैंने जी तो कोड भेजिएगा तब, क्योंकि वर्ड वीवीए में बहुत कम यूज किया हूँ, बहुत ही कम यूज किया हूँ सर, मैं समझिए कि महीने में एक आध बार एक आध प्रोग्राम बनाया होगा इस तरह से, तो मुझे एक बार ऐसा प्रोग्राम कुछ भेजिएगा तो मैं तभी बता पाऊंगा सर। सर उससे रिलेटेड और बहुत कुछ है तो उसको वो एक्यूमुलेट करके आपको भेजना होगा, तो मैं हाँ सीधा मुझे उनको भेज भेजूंगा। मुझे भेजिएगा, मैं आपको देख के फिर उस सोल्यूशन आपको बता दूँ। ऐसा कि सर अगर मैं फ्रंट स्लैश को रिप्लेस करके और कुछ दे देता हूँ कोई दिक्कत नहीं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो फ्रंट स्लैश को मैंने रिकॉग्नाइज नहीं करता, मैंने शायद हो सकता है कि वो वेरिएबल जो डिक्लेयर किया है ना वो वेरिएबल को दूसरा, ऐसा कुछ हाँ मुझे लगे। आप मुझे भेजिएगा ना, पहले अपना ये भेजिएगा, सर बात करते हैं, ठीक है। तो